सर्वे सर्वाणि साधिके षड्यन्त्रमुखे गौरी नारायणी नमोस्तुते जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, आज मैं आपको जो हमारे घरों में पूजा के लिए विभिन्न देवताओं की देवियों की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, उनमें कैसी मूर्ति स्थापित की जाए, उनका माप क्या होना चाहिए, उनकी लंबाई तैयार क्या होनी चाहिए, इस विषय में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ, जिसको आप सुन करके, जान करके, उपयोग करके अपना भला कर सकते हैं। साथियों, मुझे जो भी जानकारी है इन विषयों में जन कल्याण की भावना हेतु मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको इस सब बातें पहुँचा रहा हूँ, और मेरी आपसे अपेक्षा होगी कि आप यदि हमारी वीडियो से सहमत हों, आपको अच्छी लगे, इन बातों को अन्य लोगों को भी बताएं, जिससे उनका भी भला हो सके, लोग परेशानियों से बच सकें। तो साथियों, यदि आप हमारी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, और बगल में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस करने का कष्ट करें, जिससे हमारी बनाई हुई वीडियो आपको समय प्राप्त हो सके और आप उसका लाभ ले सकें। तो साथियों, जैसे मैंने जिक्र किया, आज मैं घरों में स्थापित की जाने वाली देवी देवताओं की मूर्तियों के विषय में आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। साथियों, हर आदमी का, हर औरत का, आदमी का, मनुष्य का, कोई न कोई इष्ट होता है, कोई न कोई प्रिय होता है, जिसके आगे हम नतमस्तक होते हैं, उसे अपनी बातें कहते हैं, अपनी गुहार करते हैं, हे प्रभु, हे देवी, हमारा कल्याण करिए। इसके निमित्त हम किसी न किसी देवी देवता को आश्रय लेते हैं, उनकी मूर्ति स्थापित करते हैं। अब साथियों, अज्ञानतावश हम करते क्या हैं कि जो मूर्तियां हैं उनको किस प्रकार के स्थापित की जाए, कितने ऊंचाई के स्थापित किया जाए, इस पर हम विचार नहीं करते। बौद्धा लोग जो पैसे वाले हैं, अथवा लोग शौकिया बस सोने के, चांदी के, तांबे की, पीतल की मूर्तियां अपने घरों में स्थापित कर देते हैं। साथियों, जब बहुत दिनों तक आप इन धातु की मूर्तियों को स्थापित करते हैं तो उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा स्वयं स्थापित करते हैं तो उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा स्वयं हो जाती है। हमारे किसी विद्वान का एक कथन था, हमने पढ़ा था कि यदि गृहस्थ व्यक्ति यदि अपना कल्याण चाहे तो सिर्फ एक देवता की पूजा न करे, क्योंकि कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो देवता आपकी परीक्षा लेने लगे, और इस कलयुग में हम परीक्षा देने में सफल नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए हमको भिक्षक भी हो सकती है, हम परेशानी में भी आ सकते हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि साथियों, कि आप अगर सामर्थ्यवान हों और यदि आप समर्पित हों भगवान के प्रति, तभी आप धातु की मूर्तियाँ स्थापित करें, क्योंकि धातु की मूर्तियाँ स्थापित करने के बाद यदि आप दोनों टाइम समय पर आपने पूजा पाठ नहीं किया, उनको दूध इत्यादि नहीं दिखाई, तो संबंधित देवता रुष्ट हो सकते हैं, उनको भोग लगाना भी जरूरी होता है। जैसे हम साथियों, पूजा होती क्या है पहले आप जानो, पूजा क्या होती है। जैसे कोई हमारा रिश्तेदार आया या हमारे घर कोई व्यक्ति है, जिसे सुबह उठ करके हम स्नान ध्यान करते हैं, उनको भोजन देते हैं, उसी तरह से भगवान के प्रति भी हमारा कर्तव्य होता है कि हम सुबह उठ के नहा धो करके उनके शरण में जाते हैं, उनको स्नान कराते हैं, उनको तिलक इत्यादि करते हैं, उनको धूप बत्ती दिखाते हैं, दीपक दिखाते हैं, उनका भोग लगाते हैं, फिर उनसे क्षमा प्रार्थना करते हैं। यदि आपने धातु की मूर्तियां स्थापित की, यदि आपने सब कार्य नहीं किए, कुछ दिनों तक आप कहीं चले गए, आपने घर को छोड़ दिया अकेला, तो देवता भी एकांत हो गए, तो वो आपको उस समय पर, जिस समय आप रोज प्रतिदिन इत्यादि क्रियाएँ करते हैं, भोजन इत्यादि क्रिया करते हैं, यदि आप नहीं करेंगे तो आप प्रतीक्षा करेंगे, तो आपको, आपसे रुष्ट होंगे और आपका अकल्याण भी हो सकता है। इसलिए साथियों, मेरा सुझाव है कि यदि आप पूजा करते हो, अभी आप
तो आप मिट्टी की मूर्तियाँ स्थापित करें, रंजन स्थापित करें। यदि आप समर्थवान हो तभी धातु की मूर्तियाँ स्थापित करें और उसके विधि पूजा पाठ करें। अब साथियों, मूर्तियों की माप क्या होनी चाहिए, ये भी एक प्रश्न है। हमने कुछ पुस्तकों में पढ़ा, कुछ जगह जाना कि घरों में स्थापित मूर्तियों की माप जो होनी चाहिए, मूर्ति की जो अंगुलियां होती हैं उन अंगुलियों से 9 अंगुल के बराबर की मूर्ति होनी चाहिए, लेकिन ऐसा व्यवहारिक में दिखाई नहीं पड़ता है कि मूर्ति हम भगवान की मूर्ति की पहले उंगली नापें, उसके हिसाब से 9 अंगुल नापें। इसके लिए मेरा सुझाव ये होगा कि आप अपने अंगुली के जो है 4, 4, 8, 1, 9 अंगुल के माप की ही इतने की मैक्सिमम ऊंचाई की मूर्ति अपने घर में स्थापित करें, उनकी पूजा पाठ करें, पोषण पूजा पाठ करें, जिससे आपका कल्याण हो और आप आने वाली परेशानियों से बच सकें। तो साथियों, यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगी हो तो अन्य अपने साथियों को भी उसके विषय में बतावें, और हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया उसे लाइक और शेयर करने का कष्ट करें, जिससे अन्य लोग भी हमारे ज्ञान का लाभ उठा सकें। जय सियाराम, धन्यवाद।